रिस्पेक्ट वो नहीं है जो हम समझते हैं, वो फियर बस है। रिस्पेक्ट के नाम पे हम डरे रहते हैं कि अगर किसी से रिस्पेक्ट करते हो तो उसके सामने मुंह न खोलो, वो फियर बस है। रिस्पेक्ट शब्द का भी अर्थ बस इतना ही होता है ठीक से देखना, बार बार एनालाइज करना, बार बार समझना, ध्यान से देखते रहना। सम्मान का भी वही अर्थ होता है, सम्यक रूप से मानना, पहले जानना फिर मानना। रिस्पेक्ट का वो थोड़ी अर्थ है कि कोई कुछ बोल रहा है चुपचाप मान लिया, ये किसने पट्टी पढ़ा दी। और ये पट्टी 5 साल के बच्चे को पढ़ाई जा सकती है, 35 साल का आदमी भी अभी क्यों माने बैठा है। रिस्पेक्ट जैसा, ये रिस्पेक्ट जो है बड़ा आर्टिफिशियल शब्द है, बड़ा अस्वाभाविक शब्द है। प्रेम स्वाभाविक है, रिस्पेक्ट में कुछ भी स्वाभाविक नहीं है। रिस्पेक्ट मैनमेड चीज है, रिस्पेक्ट पूरी तरीके से आदमी के दिमाग की उपज है। ठीक वैसे ही जैसे फियर आदमी के दिमाग में बैठता है, वैसे ही रिस्पेक्ट भी वहां बैठती है। लव दिमाग से बाहर की है, प्रेम आपके दिमाग की उपज नहीं होती। प्रेम आपकी अपनी शांत साफ अवस्था है। रिस्पेक्ट बाहर से ओढ़ी हुई चीज है। पर होता यही है ना, बचपन से ही ये थोड़ी कहा जाता है कि आप किसी को लिख रहे हो तो उसमें लिखो योर्स लविंगली, योर्स रिस्पेक्टफुली, और ये सब चलता रहता है। वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने की बातें हैं। वो व्यवस्था बनाए रखने की बातें हैं कि मैं तुम्हारे सामने झुक रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने झुक रहा हूँ। अब जिसको आप व्यूअर्स रिस्पेक्टफुली लिखते हैं उसका अहंकार एकदम और घना होगा, हाँ मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है। आप किसी को प्रेम करें उसमें उसका अहंकार बहुत नहीं बढ़ पाएगा, खास तौर पे अगर वो कोई बहुत ऊंचे किस्म का आदमी है, उसको आप लिख दें योर्स लविंगली तो गुस्सा और आ जाएगा। तू होता कौन है मुझसे लव करने वाला। हाँ, रिस्पेक्ट में डर है, डर। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप पर उसका संबंध डर का है, एकदम घनघोर डर का है। मतलब वो दिखेगा नाइस और कोजी, वो दिखेगा नाइस और कोजी, पर जरा सा भी कॉन्फ्लिक्ट वो नहीं होगा, बहस नहीं होगी। हमें ये लगता है कि जहाँ पे बड़ा नाइस और कोजी है वहाँ रिस्पेक्ट है, और जहाँ थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट आया इसका मतलब रिस्पेक्ट नहीं है, वो ऑपोजिट है शायद। बहुत ऑब्वियस है कि क्या चल रहा होगा। Wisdom and the time goes together. They are opposites. But even then we have to respect for the wisdom. What is? What is means? It is beyond. When we understand what is, it is a transformation. So both things exist, but harmony should be there. The wisdom we have, we should have the respect for the wisdom. Father is the wise. Wisdom is there. We should have in a relationship respect for the wisdom. How do I know that the father is wise? See, when we build up the structure of development of the family growth, in a birth time, the child is not able to come to that level of growth. If mother and father give us... How will the child know that the father is wise? Whose wisdom? Child. Child's wisdom, ना? तो ठीक है, काफी है ना कि child खुद wise हो। अब child wise नहीं है, तो किसी और की भी wise क्या समझ, wisdom क्या समझेगा? मैं किसी और की wisdom समझूं, दुनिया में क्या है, कैसा है, आपने as is कहा, वो सब मैं समझूं, उसके लिए पहले मेरा खुद तो wise होना जरूरी है ना? खुद wise होना जरूरी है ना? Fathers अक्सर ही complain करेंगे कि मेरा child मुझे appreciate नहीं करता। अब क्वेश्चन ये है कि उस चाइल्ड
के वैसा बन जाने में कि जहाँ पे वो कुछ भी अप्रिशिएट नहीं कर पाता, फादर को ही नहीं वो दुनिया में कुछ भी स्पष्टतया नहीं देख पाता, किस किस का हाथ है, कई फैक्टर्स का होगा, उसमें फादर का भी है। तो ये स्थिति आए कि फादर को सन समझ ना पाए, इस स्थिति के लिए उत्तरदायी भी कौन है, देखना होगा ना। बच्चे से ये अपेक्षा करना कि मैं वाइज हूँ और मेरी विजडम के रहते तू मेरी इज्जत कर, ये बड़ी गड़बड़ बात है। अगर बच्चे को भी आप वाइज बना पाए हैं, और बना पाना ठीक शब्द नहीं है, ऐसा लगता है कि कहीं बाहर से देनी पड़ती है विजडम, पर बात समझिएगा जो कहना चाह रहा हूँ, अगर बच्चे में भी आप विजडम जगा पाए हैं तो आपको ये शिकायत करनी ही नहीं पड़ेगी कि वो मुझे नहीं समझता। है ना, वो कोई किसी को भी समझे उसके लिए उसकी अपनी आंखें इस्तेमाल होंगी ना, अपनी आंखें खुली होंगी। हम फिर उसी बात पे आते हैं, ये सवाल सुन सुन करके और हर जगह से आता है कि हमको तो समझ में आता है पर हमारे आसपास वाले लोग जो हैं वो हमें करने नहीं देते। ये स्थिति सिर्फ देखिए तभी आ सकती है, फिर से कहूँगा, जब कहीं ना कहीं आपके लालच के तार जुड़े हुए हों, नहीं तो आपको कहीं भी मन को मारने की झुकने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। व्यवस्था के आगे आपको झुकना पड़ता है क्योंकि व्यवस्था से कुछ सहूलियतें मिलती हैं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की, क्या सहूलियतें दे, बच्चा है, नहीं नहीं जो भी नहीं, स्पष्ट आई है ना इस पे, एक छोटा बच्चा है उसको आप, आपको क्या देना है। अरे लाइवलीहुड आपको अभी से देनी है बच्चे को, यही तो दुनिया का हर पेरेंट करना चाह रहा है कि पहले ही लाइवलीहुड तैयार कर देता है, सब कुछ रहना सीखा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। एक बच्चे के प्रति, चलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द ही ले लीजिए, एक बच्चे के प्रति एक बड़े की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जरूरत है समय पर प्रोवाइड करे। पहले पता तो होना कि जरूरत क्या है और जरूरत क्या नहीं है, वैल्यू सिस्टम है। अब एक्सबॉक्स उसकी जरूरत है क्या, तो बहुत केयरफुल होके बोला करिए, जो जरूरत है, जो जरूरत है माने क्या जरूरत है, वैल्यू सिस्टम इंस्टॉल कर। आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा वर्जन, 7.4 VS 7.4 नहीं, इतनी जल्दी हंसना दिया करिए, हम देखिए ना कि हमारे मनों में बातें क्या बैठी हुई हैं कि इसमें इंस्टॉल करना है, फिर इंस्टिल करना गलती से स्लिप, फिर इंस्टॉल का इंस्टिल हो गया, मैं कह रहा हूँ अंग्रेजी में गलती थी, इंस्टिल बोलना चाहता था, इंस्टॉल। आप सुन भी रहे हैं, आप देंगे वैल्यू सिस्टम, आप क्या देंगे उसको वैल्यू सिस्टम, अपने रिस्पेक्ट आचरण से, आचार व्यवहार विचार से। अरे यार आपका आचार वो कॉपी करे, वो इसलिए पैदा हुआ है, भगवान बचाए बच्चों को हमसे, हमारी जो नियतें हैं बड़ी जबरदस्त हैं, बिल्कुल मार देने का इरादा है बच्चों को, बच्चा इसलिए पैदा होता है कि वो आपका आचरण कॉपी करे। कोई वैल्यू सिस्टम देने की कोशिश मत करिएगा, ये बहुत बड़ा अपराध है, और जिस दिन दुनिया थोड़ी भी समझदार हो जाएगी ना, उस दिन सबसे पहले ऐसे लोगों की पिटाई लगेगी जो बच्चों में ये सब डालने की कोशिश करते हैं, ऐसा करो वैसा करो, इस तरीके से करना चाहिए, सबसे बड़े अपराधी ये कहलाएंगे कि ये कोशिश भी मत कर लीजिएगा। और मैं कल सुन रहा था, उधर ज़ोर से आवाज़ आई थी कि अभिषेक सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चों का और माँ बाप का रिश्ता फियर का नहीं होता है, पता नहीं किसकी आवाज़ थी,
इंस्टॉल। पहला सवाल भी आज का यही था। और कुछ वैसी आवाज आज कह रही है कि मुझे बच्चों में वैल्यू सिस्टम इंस्टिल करना है। आपको बच्चे को क्या देना है मुझे बताइए ना। साथ के बच्चों से क्या मतलब है? उसके अपने साथ फ्रेंड्स हो सकते हैं। वो फ्रेंड्स उसके वही बने ये कौन डिटरमिन कर रहा है? स्कूल उसका कौन, उसका स्कूल कौन डिसाइड कर रहा है? तो ये सारा कुछ करने के बाद आप कहते हैं अरे अरे दुनिया बड़ी गंदी है, मुझे इसे साफ करके वैल्यू सिस्टम भी देना है। नहीं अगर नहीं दिया, नहीं आप पहले ही दे रहे हो ना, उसका स्कूल आप तय कर देते हो, आप कहाँ रहते हो उससे बाहर वो नहीं जा सकता ये आप तय कर देते हो, उसके बाद कहते हो कि आसपास के बच्चे ना इसे बड़ा करप्ट कर रहे हैं तो अब मुझे इसकी सफाई करनी पड़ेगी। उसके आसपास के बच्चे किस किस लोकेलिटी से आ रहे हैं? आप रहते हो पड़पड़गंज में और वो जाएगा वसंत कुंज के बच्चों के साथ खेलने? बताओ तो मुझे उसके आसपास के बच्चे किस लोकेलिटी से आ रहे हैं? जिस लोकेलिटी में आप रहते हो किसी बच्चे का फ्रेंड जमादार का बच्चा नहीं होता कभी। जिस लोकेलिटी में आप रहते हो वो लोकेलिटी किसने चुनी है? आपने। तो अगर आसपास के बच्चे भ्रष्ट हैं तो उस भ्रष्ट लोकेलिटी को चुना किसने है? आपने। उसके लिए आपने चुना है। वो दिन रात जिन लोगों से मिल रहा है क्या वो आपके दुश्मनों से मिल रहा है? बताइए तो आपके घर में जो लोग आ रहे हैं उनसे मिल रहा है? आपके घर में कौन आ रहे हैं? और अगर वो भ्रष्ट हैं, आपके दोस्त भ्रष्ट हैं, आपके रिलेटिव भ्रष्ट हैं, तो आप कैसे होगे? और यही भ्रष्ट आदमी कह रहा है कि मुझे बच्चे की सफाई करनी है। मेरे घर में बच्चे से मिलने बच्चे के चचा मामा और ये सब आ रहे हैं और ये महाभ्रष्ट लोग हैं। अगर मैं साफ होता तो ये चचा मामा आ सकते थे मेरे घर में? फिर मैं कहूँ कि चाचे और मामे आके बच्चे की गड़बड़ कर जाते हैं, अब मैं साफ करूँगा। चाचे और मामे के आने का कारण ही यही है कि तुम्हारे पास खूटियाँ हैं जिन पर वो टंगने चले आते हैं। नहीं तो एक साफ आदमी के घर में भ्रष्ट लोगों के आने का कारण क्या हो सकता? आएंगे ही नहीं। फिर आप कहो मुझे बच्चे की सफाई करनी है। बच्चे की सफाई करने के लिए आप इतनी दया कर दो कि अपनी सफाई कर लो और उसकी कोई ज़रूरतें नहीं है। ज़रूरतों के नाम पे आप उसको जो कुछ दे रहे हो वो उसके साथ अन्याय ही है। वो उसके साथ अन्याय ही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से तात्पर्य क्या है आपका? रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। बच्चे को जान तक तो आपसे पूछ के दी नहीं जाती है। जैसे वो आया है वैसे ही बड़ा भी हो लेगा। आप जरा दूर रह लीजिए उससे, इतनी दया करिए। सब कुछ तो उसका आप निर्धारित कर देते हो, फिर आप कहते हो कि अब इसकी सफाई करनी है। खुद ही उसे काला करते हो, गंदा करते हो, फिर कहते हो सफाई करनी है। दुनिया में हर आदमी इसी बात से व्यथित है कि दूसरे मुझ पर हावी हैं। कोई ये नहीं देखता है कि आप खुद कितनी बातें चाहते हो इस कारण दूसरे आप पे हावी हैं। औरत कहेगी पति मुझ पे हावी है, अब तुम उसके घर पे रहोगी, औरत बाद में हो, पहले तो इंसान हो ना। एक 30 साल 40 साल 50 साल के इंसान को शोभा देता है किसी के घर में बैठे रहना, एक पैसा ना कमाना और ऊपर से जो कमा के ला रहा है उसके पैसों पे राज करना, ये शोभा देता है। तुम पहले तो ये हरकत कर रही हो, गहराई से तुम्हारे मन में लालच है, उसके बाद तुम कहती हो कि ये मुझे डोमिनेट करता है, मेरे शरीर को डोमिनेट करता है। करेगा ही करेगा। तुम उसके घर में रह रही हो, तुम उसके सामान का उपयोग कर रही हो, उसके बिस्तर पर सोती हो, उसका टीवी देखती हो, उसके दिए कपड़े पहनती हो। वो तुम पे अब मालिक नहीं बने तो क्या बने? तो जरा सी आंख खोल के देखोगे तो तुम्हें साफ साफ दिखाई देगा कि तुम उसकी नौकरानी ही तो हो। फिर तुम कहती हो कि मेरा बड़ा शोषण होता है घर में। होगा ही, लगातार तो तुम्हारे मन में लालच है।
ऐसे ही पति बोलते हैं, पत्नियां वाला डोमिनेट कर लेती हैं। कोई पत्नी तुम्हें डोमिनेट कर सकती है? तुम्हारे मन में उसकी बॉडी का लालच ना हो तो तुम उसकी बॉडी के पीछे भागते हो, इसी कारण वो तुमको नाच नचा लेती है। और कोई हथियार नहीं है उसके पास, बस ये हथियार है कि तुम्हारे मन में लालच है कि किसी तरह इसका शरीर मिल जाए। और वो इतना नचाएगी तुमको, इतना नचाएगी कि मर जाओगे। उसको तुम्हारे पैसे का लालच है, तुम उसके शरीर का लालच है, दोनों एक दूसरे को नचा रहे हो, फिर दोनों रोते हो। घर घर की यही तो कहानी है। और क्या चल रहा है? मरी से मरी औरत समर्थ से समर्थ आदमी पे राज करती है।